संगरूर की चकमेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि मुख्तसर से एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो मुख्तसर का है जिसमें नजर आ रहा है कि एक युवक का हाथ बांधकर उसे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाया गया है। इस युवक को जबरदस्ती एक शख्स सरेआम हाथ बांधकर ट्रॉली में बाजार के रास्ते ले जा रहा है। पूछने पर यह शख्स कहता है कि हाथ बंधे युवक ने इससे कर्ज में पैसे लिए थे जो उसने वापस नहीं किए, इसलिए इसे लेकर जा रहा हूं, जबकि पीड़ित युवक इससे इनकार कर रहा है। हालांकि पुलिस ने घटना की जानकारी होने पर दूसरे दिन मामला दर्ज किया और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उस दिन आपके हाथ बांधकर कौन ले जा रहा था? बब्बी कोटली दा। तो क्या ओदे ताजे दा मुंडा सा गुरपाला। क्या मामला था? असी ओदे पैसे देने थे थोड़े बहुत ते सानू को ने मजबूरी आ गई, असी पिंड जावड़े ते नाले मैंने देसी फेसी दारू पियांदे नाले कड़ा हुंदे थे मेथों, असी वो काढ़ी मनी ना तब जिस समय नशा पा छे बजे समय पिंड बज रहे। इन्हें उन्हों का कोई 25,000 रुपया जोड़ा देना सीगा, उस दे संबंध में यह कहता से मेरे तो नजायज काम करवाते तो मैं छड़ के पिंड चला गया। को संगरूर दे विच जगमेल नू इस तरह ही घरों लै गए सीगे, उस बंदे नू जिहड़ा उन्हां लोकां ने उन्हूं मारता PGI दे विच उस बंदे दी मौत हो गई है, उस तरह की यह सेम घटना हैगी आ। मैं प्रशासन तो सरकार तो मंग करदा कि तुरंत जिन्हां ने लोकां ने इहनूं बन के लैके गए उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं भी वीडियो देखी, मैंने भी फोन आया कि वीडियो वायरल हुई है, इन ट्राली के बन के हाथ से बन्ने हुए ने पिछों से बन के सुटिया हुआ तो, बट इन्हें अजे तक कोई कंप्लेट पहला तक नहीं की। हम मैं थाने आया तो हमें देखा भी रिटर्न कंप्लेट आ चुकी है तो इन बुला के जो भी बनती कानूनी कार्रवाई करा। अभी कुछ ही समय बीते हैं जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन मुख्तसर में घटी इस घटना ने सरकार के दावों को एक बार फिर चुनौती दे दी है। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुख्तसर।